असी एक गैर तजर्बेकार लोगों चुन के एक एक्सपैरीमेंट किया, वो एक्सपैरीमेंट पंजाब नूं बहुत ज़्यादा महंगा पे। जिहड़े रिस्पोंसिबल ओपोजिशन के लीडर्स है, जिहड़े पांच पांच चार चार बार मिनिस्टर रह चुके, जिन्हां ने 80 ते 90 का दौर वेख्या, सारिया पार्टियां उन्हां नूं हफ्ते 10 दिन च कोई चाह के कप के दफ्तर सद के उन्हां सलाह तो कर लो। असी फ्री की एडवाइस देनी है तो पंजाब की बेहतरी वास्ते देनी, असी कोई चार्ज नहीं कर रहे, असी कोई इन्हां कोल इश्तिहार नहीं मंगे कि मेरी अखबार च इन्ने पेज का इश्तिहार दे दो कि कहने मैनूं महंगे बड़े पैने। असी तो पंजाब की बेहतरी वास्ते इन्हां नूं नेक राय देना चाहते, सानूं एक्सपीरियंस है, असी वो काला दौर वेखे। दसो जिदन इन्हें ताकत लैनी सी, बदलाव की गल करते कहते सानूं मौका दो, पंजाब च हर आदमी की जिंदगी उन्हां दा माल उन्हां दा कारोबार महफूज होएगा, कोई पंजाब दे विच अज तो बाद कोई एजिटेशन नहीं होएगी, सारा पंजाब दे विच रंगला पंजाब बनावांगे। तो मैनूं दसो जदों उदों ताकत लैनी सी उदों सारियां गल्लां ते ध्यान नहीं सी कि इत्थे एक्सटर्नल फोर्सेज ने भी काम करना, इंटरनल फोर्सेज ने भी करना, पंजाब दी हिस्टरी रही है, एक पहली बार थोड़ा पंजाब चोण लगा। अच्छा पंजाब दो दिन पहले दुआबे च इंसीडेंट होया नकोदर दे विच, उस तो पहले कोटकपूरे होया, कोटकपूरे तो पहले अमृतसर होया, रोज़ इंसीडेंट्स फरौतियाँ दे मारन दे गैंगस्टर्स दे तरन तारण होया, फिर मोहाली होया, ये तो समुचे पंजाब च हो रहा, कोई यहोजी जगह तो है नहीं, कोई ज़िला यहोजा नहीं जिहड़ा अनटच्ड होए। आम पुलिस अफसर नाल मेरी गल हुई सीनियर मोस्ट, उन्हां दी ये है कि जे असी किसे नूं न्यूट्रलाइज़ कर लें अपनी जान ते खेड के, भावें किसी टैररिस्ट नूं कह लो भावें किसी गैंगस्टर नूं कह लो, सारयां दे परिवार है, वो सारे महसूस करते कि साढ़े पिछे कोई खलोएगा सही। ये जिहड़ी अज दी पोलिटिकल लीडरशिप है, होम मिनिस्टर भगवंत मान है, कि कल नूं साडे कोई वड्डा इहो जिहा कदम उठाया जाए कि चीफ मिनिस्टर साडी पिठ पिछे खलोएगा। बैकिंग पोलिटिकल बैकिंग की लोड़ है, फ्री हैंड का की मतलब होंगे, जे पोलिटिकल बैकिंग ही है नहीं, जे वो ताडे चीफ मिनिस्टर नूं संजीदा ही नहीं मानते, जे वो मानते हैं कि पता नहीं इन्हें कदों अवेलेबल होना तो कदों नहीं होना, कौन बंदा अपनी जान ते खेड के ये काम करेगा। कंडे वाली तार तो कभी कोई टप्पिया जी, ये तो कंडे दे उत्तों चल रहा सारा काम जी, ये तारा दियां गल्लां करी जांदे ने, काम उत्तों चल रहा ड्रोना दे जरिए। लगी नज़र पंजाब नूं, इहदी नज़र उतारो, लैके मिर्चा कौड़ियां इहदे सिर तों वारो। पंजाब दे विच मौजूदा हालातों नूं वेखदिआं होइआं हर कोई कह रहा है कि पंजाब नूं नज़र लग चुकी है। साडे नाल विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवाणी मौजूद ने। बाजवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी ते। किहड़ी नज़र लग गई पंजाब नूं, हसदा वसदा रंगला पंजाब, ये किधरले पासे नूं जा रहे? देखो गगन जी, ये क्योंकि बड़ा संजीदा मसला, इहदे जवाब तो मेरे को बड़े से, बट मैं संजीदा तुहाडे इस सवाल का संजीदा जवाब ही देना चाहवांगा। अनफॉर्चुनेटली नज़र लगी है क्योंकि असी एक गैर तजर्बेकार लोगों चुन के एक एक्सपैरीमेंट किया, वो एक्सपैरीमेंट पंजाब नूं बहुत ज़्यादा महंगा पै रहा। तुसीं ये दसो, मैं अजे तक नहीं वेख्या जिन्ना च 44 साल तो सियासत च मैनू हो गया जी, एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी वास्ते एक अद्धा दिन तो जा सकता, दो दिन जा सकता, किसी एक रैली वास्ते 2 महीने चला जाए, फिर सारी कैबिनेट लै जाए, फिर सारे MLA लै जाए, तो एंड रिजल्ट 0 आए। तो अज पंजाब दे विच वेखो तीजा इंसीडेंट है जिथे पंजाब पुलिस सिक्योरिटी के समेत लोग सिक्योरिटी वाला भी शहीद कर दिता गया, बंदे भी मार दिते, फिर सारों नूं सीरियस। ये तो दो किस्म की एजेंसीज काम कर, एक इंटरनेशनल ने जिन्हां ने पहला RPG का अटैक किया, एंटी इंडिया फोर्सेज ने जिहड़ी हिंदुस्तान नूं कमजोर करना चाहुंदियां, उन्हां ने इंटेलीजेंस ऑफिस, ये सिंबोलिक अटैक, ये बंदे मारन वास्ते अटैक नहीं होंदा, सिंबोलिक। रात जर्नली वैसे उत्थे चंद मुलाजम भी है सर, पर जर्नली ये होंदा कि सारों वड्डी जैसा सैक्रेटेरिएट ते कोई अटैक करे, भावें उत्थे कोई भी ना होए, उहदा मतलब होंदा कि जे सैक्रेटेरिएट सेफ नहीं तो कौन बंदा सेफ हो सकदा। इहदा एक सिंबोलिक सरहाली दे विच तरन तारण च वी जिहड़ा अटैक है, बेसिकली यू मस्ट सी ये स्टेट नूं चैलेंज कीता, ये सूबे दी सरकार स्टेट नूं, इहदे विच निरी स्टेट नूं ही नहीं देश नूं भी, देश दीआं नूं भी चैलेंज कीता गया कि असीं हैं। नंबर 2 ने जिहड़े गैंगस्टर्स दा काम, उह सूबे दे विच ते देश दे विच कुछ ऐसी जिहियां एजेंसीज ने जिहड़ियां पंजाब नूं ते कश्मीर नूं बड़ी देर तो कमजोर करना। पर बाजवा साहब, सियाणे कहिंदे जे किसे नूं कोई गल लगी होवे तां उह
ठंडे दुध नूं भी फूका मार के पींदा है तां पिछला जिहड़ा एक्सपीरियंस रहा 6 महीने पहला जिहड़ा इंटेलीजेंस दफ्तर दे उत्ते आरपीजी अटैक हुंदा है उस तों बाद भी नहीं ये सुधरे कुछ इन्हां ने उस दे बाद भी कोई सीरियस एक्शन लिता गगन जी जे सीरियस एक्शन लिया हुंदा तां की मुख मंत्री 2 महीने बाहर जा सकदा सी हुण कल भी भगवंत मान यूनियन होम मिनिस्टर नूं मिल के आए कि ये काइंडली सानू चानना पा सकते पंजाब नूं कि तुसीं उत्थे कह के की आए हो मंग के की आए हो कंडेवाली तारां दा जिक्र करिया कहिंदे असीं कि कंडेवाली तार तों कौन टप के आंदा जी उत्थे काम ही सारा ड्रोन्स दे जरिए हो रहा इन्हां नूं अजे यही नहीं पता वेखो गैर तजर्बे की गल कंडेवाली तार तों कदी कोई टप्पिया जी ये तो कंडे दे उत्तों चल रहा सारा काम जी ये तारां दीआं गल्लां करी जांदे ने काम उत्तों चल रहा ड्रोनां दे जरिए नंबर टू ना तो इंटरनेशनल जेडे इत्थे बंदे काम कर रहे ने टैरिस जेडे ने ना उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर पा रहे ना गैंगस्टर न्यूट्रलाइज़ कर पा रहे मैं तुहाडे जरिए इसे टीवी चैनल के जरिए भगवंत मान नूं सवाल करना मान साहब तुसीं अहमदाबाद दे विच गुजरात दे विच किहदी इनफॉर्मेशन ते तुसीं इहो जिहा बयान देता कि गोल्डी बराड़ जिहड़ा डिटेन कर लिया गया अमेरिकन फोर्सिस ने कैलीफोर्निया ते मेरी सीधी गल हो रही है तुसीं इहो जिही गल करोगे बहुत इतने सियाने लोग भी है ने पढ़े लिखे तजर्बेकार पुलिस फोर्सिस एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सिस वाले जिन्हों तजर्बा है कि कोई भी बाहरली सरकार जिहड़ी है वह कभी किसी प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर दे नाल या हैड नाल गल नहीं करदी वो या इंटरपोल के जरिए तुहाडी होम मिनिस्ट्री नाल गल करदी उहदे नाल दे आर इन टच और दे आर इन टच विद द फॉरन अफेयर्स डिपार्टमेंट फॉरन मिनिस्ट्री नाल इन टच होंदी या होम नाल फॉरन अफेयर्स नाल मैं पहले भी स्टेटमेंट दित्ती सी ना होम मिनिस्ट्री ने ना फॉरन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अज तक कन्फर्म किया कि गोल्डी बराड़ फड़े डिटेन होया कि नहीं डिटेन हो नंबर वन नंबर टू इन्ह का डी जी जिहड़ा डायरैक्टर जनरल पुलिस है उन्हें अजे तक स्टेटमेंट नहीं दी तीसरी गल एक टीवी चैनल के नाल सो कॉल्ड जी गलत भी हो सकती बट गोल्डी बराड़ का शरेआम कहना कि मैं तो आ ओपन फिरना मैं सो ये सारिया चीज़ों वेखो मैं मान साहब न राय दूंगा कि असी ताडे सियासी विरोधी असी पंजाब के विरोधी तुसी भी कृपा करके संजीदगी नाल सोच विचार के सारे कदम उठाओ तुसी स्टेटमेंट देंदे हो स्टेटमेंट सही नहीं निकलती उहदे नाल एक जिहड़ा ऑरा है जिहड़ी एक पंजाब चीफ मिनिस्टर दा जिहड़ी कुर्सी दा ऑरा हुंदा वह न्यूट्रलाइज हुंदा पर की लगदा है हां जी इस तों पहले भी जदों जर्मनी गए ने उदों कहा कि BMW दा इत्थे मैनुफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है अगले दिन ही उन्हां दा जिहड़ा हैड है उत्थों दा कॉरपोरेट हैड उन्हें स्टेटमेंट देती कि साड़ी तो कभी ना गल हुई ना असी कभी इस की सो ये नाल आते टाइम के हुण पुलिस फोर्स मैनू की महसूस हो रहा जदों दे ये गुजरात चले गए दो दो महीनों वास्ते आम पुलिस अफसर ना मेरी गल हुई सीनियर मोस्ट उन्हां दी ये है कि जे असी किसी नूं न्यूट्रलाइज करने हैं जी अपनी जान ते खेड़ के भावें किसी टैररिस्ट नूं कह लो भावें किसी गैंगस्टर नूं कह लो सारे दे परिवार है वो सारे महसूस करते कि साडे पिछे कोई खलोएगा सही ये जिहड़ी अज दी पोलीटिकल लीडरशिप है होम मिनिस्टर भगवंत मान है कि कल नूं साडे कोई वड्डा इहो जिहा कदम उठाया जाए कि चीफ मिनिस्टर साडी पिठ पिछे खलोएगा कि इन्हां च फार साइटेडनेस है कि ये होम मिनिस्टर नूं जाके कि इन्हां ने उत्थों कोई मंग कीती है कि जी मैनू एक्सपर्टीज की लोड़ है मैनू तुहाडी इंटैलीजेंस को शेयरिंग ऑफ इंटैलीजेंस की लोड़ है को शेयरिंग ऑफ नॉलेज तो कर ली दिल्ली की सरकार ने उहदे विच ते पंजाब नूं लाभ कोई नहीं होया जिथे को शेयरिंग ऑफ नॉलेज चाहिए सी होम मिनिस्ट्री नाल क्योंकि जिन्हें गैंगस्टर भजे ने उन्हां नूं ज़्यादा नूं तो गिरफ्तार फिर आके क्राइम ब्रांच दिल्ली ने की दिल्ली स्पेशल सेल कर स्पेशल सेल कर रहा तो तुसी ओथे BSF बॉर्डर्स ते बैठी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लगदा भगवंत मान उन्हां नूं सलाह की लेनी चाहिए है कि लगदा कि प्रताप सिंह बाजवा भी सलाह दे सकदे जे भगवंत मान चाहण तां मैं वेखो बहुत सारियां गल्लां मैं टीवी ते कह सकदा जिहड़ियां इन्हां नूं क्रिटिसाइज मैं इक्को गल कहिंदा मैं कोई राजी नहीं कि मेरी सलाह ही लैण बट एक चीफ मिनिस्टर नूं जिहड़े रिस्पोंसिबल ओपोजिशन दे लीडर्स है जिहड़े पांच पांच चार चार वार मिनिस्टर रह चुके ने जिन्हां ने 80 ते 90 दा दौर वेख्या सारियां पार्टियां उन्हां नूं हफ्ते 10 दिन च कोई चाह दे कप दे दफ्तर सद के उन्हां सलाह ते कर लो पर उह तां कहिंदे तुहाडियां गल्लां तां उन्हां नूं सियासत भरियां लगदियां उह कहिंदे इह तां हर मुद्दे ते राजनीति सेकदे ने देखो गगन जी फिर इन्हां गल्लां दा रिजल्ट वेखदे इन्हां गल्लां दा रिजल्ट वेख लो असीं फ्री दी एडवाइस देनी है ते पंजाब दी बेहतरी वास्ते देनी असीं कोई चार्ज नहीं कर रहे ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि ये सारे सिस्टम नू की पॉलिटिकल इनपुट की लोड़ है ते किस तरह टैकल करना जे नहीं लेना चाहते दैट शोज होर की मैं लैक ऑफ लीडरशिप की है या इमैच्योरिटी किनू कहिंदे इसे गल नू कहिंदे भाई फिर तुसीं अक्सर जिक्र करदे हो कि ये अनाड़ी ड्राइवर ने गड्डी इन्हां दे हाथ फड़ा दित्ती है एक्सीडेंट ना कर देना और वो एक्सीडेंट होंदे भी नज़र आ रहे हैं गड्डी लगती हुई भी नज़र भी आ रही है और उत्ते ही दूसरे पासे आम आदमी पार्टी या इन्हां दी सरकार दा ये बयान आउंदा है कहिंदे कि असी नवें आ पर कुछ एक्सटर्नल ताकतां इहो जिहियां हुई पईआं ने जिहड़ियां सानूं लगातार ढा लाउण दीआं कोशिशां कर रहे तुहानूं लगदा है कि इस दे विच कोई एक्सटर्नल ताकतां दा वी हत्थ हैगा कोई पंजाब दा माहौल भी खराब करना चाहुंदियां ने देखो एक गल फोर्सेस ते कई ने मैं तुहानूं दस्सिया बट मैनूं दस्सो एडमिनिस्ट्रेशन किहनूं कहिंदा जी जदों मैनू दसो जिदन इन्हें ताकत लैनी सी बदलाव की गल करते कहिंदे सी सानू मौका दो पंजाब च हर आदमी की जिंदगी उन्हों का माल उन्हों का कारोबार महफूज होएगा कोई पंजाब दे विच अज तो बाद कोई एजिटेशन नहीं होएगी सारा पंजाब दे विच रंगला पंजाब बनावांगे तो मैनू दसो जदों उदों ताकत लैनी सी उदों सारियां गल्लां ते ध्यान नहीं सी कि इतने एक्सटर्नल फोर्सेज ने भी काम करना इंटरनल फोर्सेज ने भी करना पंजाब की हिस्ट्री रही है एक पहली बार थोड़ा पंजाब चोन लगा एडमिनिस्ट्रेटर किनू जाने जाता क्यों उसका प्रताप सिंह कैरों को याद करेगा कि उदों एक्सटर्नल तो इंटरनल फोर्सेज है नहीं सी कि बाद दे विच जिन्हें मुख्यमंत्री रहे ने उन्हां वेले पंजाब दे विच एक्सटर्नल तो इंटरनल फोर्सेज है नहीं सी तुहानूं कोई सियाणा बंदा लगता इन्हां दी पार्टी दे विच देखो मैं इसका तुहाडी तां गल दा जवाब नहीं देना चाहता स्वीपिंग स्टेटमेंट ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये क्योंकि संजीदा माहौल है आप उहदे रहे तो मैं सारे बड़े सियाने ने मैं इन्नी गल करना कि सियाणप का कोई फायदा भी लैन पंजाब नूं भी फायदा मिले अज ये गंभीरता नाल गल करन दी लोड़ है बड़ा एक सीरियस इशू है माझे लोग तुहानूं की कहिंदे ने की फीडबैक माझे तो मिलती हुई नज़र आ रही है जिस तरीके नाल अज तुहाडी ही उस एरिया दे विच पूरी घटना वापरी है माझे लोग की डरे हुए ने सहमे हुए ने गगन जी मेरा माझा नहीं समुचा पंजाब दो दिन पहले दुआबे च इंसीडेंट होया नकोदर दे विच उस तो पहले कोटकपूरे होया कोटकपूरे तो पहले अमृतसर होया रोज़ इंसीडेंट्स फरौतियां दे मारन दे गैंगस्टर्स दे तरन तारण होया फिर मोहाली होया ये तो समुचे पंजाब च हो रहा कोई इहोजी जगह तो है नहीं कोई जिला इहोजा नहीं जिहड़ा अनटच्ड होए कोई इहोजा तो नज़र आंदा कोई इहोजा जिला जिहड़ा अनटच्ड होए सारा ही हो गया सारिआं दे विच हो रहा एंड बिना समझो रुकावट तो हो रहा जी बिना रुकावट तो हर किस्म के लोग जिहड़ा उठदा वो जिहो जिहे मर्जी बयान दे जांदा इन्हां च इन्हां दी कोई संजीदगी वेखो मैनू तो गवर्नमेंट ना दी गगन जी मैं तुहानूं सही दसा गवर्नमेंट ना दी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती कोई सैक्रटेरीएट च बंदे जान तो हट गए ने अफसर सैक्रटेरीएट च काम करन तो हट गए ने तुहाडे सारे प्रेस रिपोर्टर्स ने सारिया अखबारां ने टीवी चैनल रिपोर्टिंग की के दफ्तर इत्थे असैम्बली दे सॉरी इहदे विच सैक्रटेरीएट दे विच उल्लू बोलदे ने मिनिस्टर उत्थे जदों मिनिस्टर है नहीं ते तुसीं समझो आईएएस ते पीसीएस उत्थे आणगे जी जो आईएएस पीसीएस नहीं आंदे ते बाकी भी कोई नहीं उत्थे पहुंचदा भाई साहब फिकर सताउंदा तुहानूं कि पंजाब अगे होऊगा की अगे आउण वाले साल तुहानूं की नज़र आ रहे ने पंजाब की कित्थे स्टैंड करदा नज़र आऊगा देखो गगन जी मैं ऑनेस्टली दसां परमात्मा नूं हाज़र नाज़र करके मैं गल कह रहा मैं बहुत ज़्यादा वरिड हां एक तो इस गलों वरेडा कि साडा जिन्ना भी चंगा जिस तरह कही जिस तरह आप बीज जदों फसल बीजी दी तो वधिया पनीरी लैके आई पंजाब की बेहतरीन पनीरी जिनी है क्रीम क्रीम जिहड़ी है पंजाब की वह बारहवीं कर दी सारी भजी जा रही है सूबे नूं छड्ड के हालांकि कहिंदे असीं बाहरों इत्थे लैके आवांगे चलो वो छड्ड लो इन्हां दी गल नूं मैं उन्हां दी गल करना ये तो कहिंदे गोरे लैके इत्थे तो पंजाबी रह के राजी नहीं उस तों इलावा असीं फोर्स कर रहे हैं जिहड़े नहीं भी पंजाब नूं छड्डना चाहते असीं फोर्स कर रहे हर आदमी चंगे तो चंगे परिवारां दा जी अज सीरीयसली इस गल नूं सोचण ते मजबूर हो गया कि असीं अपने बच्चे घट तो घट दो चार पंज साल वास्ते कोई अमरीका कैनेडा जिथे भी जगाड़ बनता तुहाडा न्यूजीलैंड होया भावें आस्ट्रेलिया होया बच्चे इत्थों घल दिए घट तो घट सेफ गार्ड ये सेम हालात गगन जी असीं 80 ते 90 च वेखे ने असीं सारिआं ने अपने कोशिश ही असी तो इतें ही रहे बट सारे टॉप के परिवारों ने या मिडिल क्लास परिवारों ने अपने बच्चे किसी ढंग के न बहुत व्डे पैमाने तो उदों हिजरत शुरू हुई बाहर हुण सिमिलर सिचुएशन बन गई है हालांकि उदों इस सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस नूं फ्री हैंड दिता सी लगता कोई कॉम्पीटेटिव पुलिस अफसर या कुछ यहोजा फ्री हैंड देने की लड़ हैगी पंजाब सरकार को भगवंत मान उन्होंने देखो फ्री हैंड की गल नहीं होंगी या पिछे बैकिंग करने की लड़ बैकिंग पोलीटिकल बैकिंग की लड़ है फ्री हैंड का की मतलब होंगे जे पोलीटिकल बैकिंग ही है नहीं
जे वो तुहाडे चीफ मिनिस्टर नूं संजीदा ही नहीं मानते, जे वो मानते हैं कि पता नहीं इन्हें कदों अवेलेबल होना तो कदों नहीं होना, कौन बंदा अपनी जान ते खेड के ये काम करेगा। वेखो क्रिमिनल्स नूं न्यूट्रलाइज करना, टैररिस्ट नूं न्यूट्रलाइज करना, गैंगस्टर नूं न्यूट्रलाइज करना, हर अफसर दे सिपाही तो लैके DGP तक दे परिवार है, हर बंदा 20 बार सोचता हमेशा। जिहड़ी तगड़ी लीडरशिप पिछे लोग तुसीं वेखदे हो पुराने वक्त वी, जे जरनैल तगड़ा सी ते जिहड़ा फुट सोल्जर सी वह भी अपनी शहादत देन तक तैयार हो जांदे। जदों जरनैल कमज़ोर होएगा हर अफसर जिहड़ा वह ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਲੱਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਅਤੇ ਦੇ ਮਸਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪੀਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਰਾਂਗਾ, ਗੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ, ਪੰਜਾਬ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ।